इस समाचार के सह प्रायोजक है घर संसार, जहां उपलब्ध है एक नहीं 51,000 वैरायटियों के साथ कम दाम में अच्छी क्वालिटी का सामान। स्थान भोलाराम उस्ताद मार्ग एवं होटल किंग्स पार्क सयाजी के सामने, विजयनगर इंदौर। इंदौर के टुकोगंज थाना क्षेत्र में स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक दो पहिया वाहन के शोरूम में चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हुई है, जिसमें साफ तौर पर एक व्यक्ति बॉक्स उठाकर ले जाता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं गल्ले से भी हजारों रुपए नकदी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में चोर की तलाश में जुटी है। इंदौर में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी के तहत एमजी रोड पर बजाज चेतक इलेक्ट्रिक व्हीकल का शोरूम है। शोरूम संचालक सुमित द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई कि वह अपने शोरूम का ताला लगाकर अपने घर गए थे। इस दौरान अज्ञात चोर द्वारा शोरूम में रखे कुछ नकदी रुपए और दो पहिया वाहन के जरूरी दस्तावेज चुरा लिए गए। जब सीसीटीवी फुटेज देखे तो उसमें एक अज्ञात चोर शोरूम के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ वैधानिक धाराओं में मामला दर्ज किया है और उसकी तलाश की जा रही है। सुमित नंदौरी जो की फरियादी है, तो वही थाना क्षेत्र में घटना हुई, इसमें शोरूम में एक चोरी हुई है। शोरूम में जो की सुमित ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, ये इलेक्ट्रिक जो स्कूटर होता है उसकी एजेंसी है, और शोरूम पर एक गुल्लक रखी हुई थी, कुछ डॉक्यूमेंट रखे हुए थे, तो एक चोर अंदर घुस गया और उसके द्वारा उसमें से गुल्लक चुरा लिए, जिसमें लगभग 40-50 हज़ार रुपये हैं और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हैं। तो इस पर से सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई दे रहा है, जिसमें एक व्यक्ति उसमें घुसता हुआ दिखाई दे रहा है और ये घटना घटित करते हुए दिखाई दे रहा है। इसमें आइडेंटिफाइड करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल 380 का केस रजिस्टर कर लिया गया है और इसमें सीसीटीवी फुटेज में जो आए हुए व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जाकर वजन कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। Thank you.